उसका रिव्यू देने जा रही हूँ। आज मैंने इस्तेमाल किया है लव नेचर टी ट्री का 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब, और इसमें मैंने 3 प्रोडक्ट्स लिए थे, जिसमें मेरे पास हैं मास्क एंड स्क्रब, टोनर और इसके साथ जेल वॉश था। तो आज मैंने 2 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एक ये मास्क एंड स्क्रब और जेल वॉश। पहले मैंने जेल वॉश इस्तेमाल किया। जेल वॉश एज अ फेस वॉश आपकी स्किन को ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है, ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, ठीक है। ये 2 चीज़ों से बने, ऑर्गेनिक टी ट्री एंड लाइम सीड, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए जिनके फेस पे एक्नी है या जिनके फेस पे पिंपल्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ये 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब है, इसको आप मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, स्क्रब के तौर पर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे मैंने फेस वॉश किया था, बिल्कुल मेरी स्किन बेबी स्किन शो हो रही थी और इतनी वो क्लीन और इतनी नीट हो गई। बेसिकली मेरी स्किन ऑयली और टू मच सेंसिटिव है, तो स्पेशली ये ऑयली स्किन के लिए मैंने अपने लिए मंगवाया था कि मेरे फेस पे थोड़ी बहुत एक्नी भी है, पिंपल भी हो जाते हैं, गर्म चीज़ें बहुत खाती हूँ उस वजह से। तो इसको मैंने स्पेशली अपने फेस की रूटीन के लिए मंगवाया कि मैं अपनी स्किन को इससे इसके इस्तेमाल से पूरा फ़ायदा उठा सकूँ, उसको देख सकूँ कि क्या ये मेरी स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं। बट डेफिनेटली इसने किया है, बहुत अच्छा किया है। तो मतलब आई कैन ऑब्जर्व कि मुझे ये आगे अपनी रूटीन में रखना है और मैं इंशाल्लाह उसको रखूँगी। बहुत मतलब मैं पिक्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। 3rd पे अप्लाई होता है, पहले आप करते हैं क्लिनजिंग, फिर आपकी होती है स्क्रबिंग और फिर आप टोनर अप्लाई करते हो अगर आपने ओपन पोर्स के लिए, क्योंकि क्लिनजिंग के बाद डेफिनेटली आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जो क्लिन टोनर होता है वो आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, आपके पोर्स को टाइट करके उनको ठीक करता है। सो कभी भी टोनर अकेला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या आप क्लिनजर कर रहे हो तो उसके साथ डेफिनेटली आपको क्लिनजर आप अकेला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टोनर उसके साथ लाजमी होना चाहिए। तो ये मास्क एंड स्क्रब, इसका मतलब बहुत ही मज़े का टेक्सचर है, ये इसका टेक्सचर है। इसके अंदर छोटे छोटे बीड्स हैं जो कि आप जब स्क्रबिंग करते हो तो वो आपके फेस पर बहुत अच्छी वर्किंग।